नमस्कार दर्शकों, मैं अमित बोर्सन और आप देख रहे हैं रंजन टीवी इंडिया। आज हमारे साथ आगरा के समाज सेवी पूर्व पार्षद श्याम प्रकाश बोधी जी हैं। बोधी जी, जिस प्रकार हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगा था, उसके कारण जो गरीब मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं, जिनके पास खाने पीने की व्यवस्थाएँ डगमगा गई हैं और उनके पास बिजली के बिल भी आ रहे हैं और अन्य तरह की जो बिल आ रहे हैं, उसके बारे में सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि इनके लिए क्या करना चाहिए? सरकार से क्या कहना चाहेंगे, इन लोगों की स्थिति, जो गरीब मजदूर हैं इन लॉकडाउन में जी, जो इनकी दयनीय स्थिति हुई है वो सरकार के द्वारा ही हुई है। ये सरकार का ही नीति है, सरकार ने ऐसी नीति बनाई है जो है कि गरीब और गरीब होता जाए, मजदूर है वो मजदूर बना रहे हमेशा जो। अब आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस का जो चल रहा लॉकडाउन हुआ 2-2.5 महीने का, उस और लोग मजदूर जो वर्ग का है, जो मध्यम वर्ग का है, वो अब भी परेशान है। आज भी कोई रोजगार नहीं है, कोई धंधा नहीं है। मुझे ये बताइए, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, या मान लो छोटे व्यापारी हैं जिनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उनको क्या परेशानी है? उनकी कहीं जो कोई अगर कार बिकती हुई दी आपने, वो आएगा कार में भाई, वो तो कार में ही आएगा, उसे कोई पर फर्क नहीं पड़ा जो है, वो तो और मजदूरों से सेटल कर रहे हैं जो है। तो ये गवर्नमेंट की जो नीति है कि मजदूर को जो है परेशान करना, और जो है वो गवर्नमेंट को मालूम है ना, ये वर्तमान में जो भारत केंद्रीय गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है, ये जो है बिल्कुल ब्राह्मणवादी गवर्नमेंट है, जातवादी गवर्नमेंट है। और इसके मतलब मैनोफेस्टो में जो है, इसकी मतलब जो नीति जो है वो ये है कि अब अधिकतर मजदूर और परेशान कौन है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोग, ये लोग अधिक परेशान हैं। और यहाँ का जो अल्पसंख्यक, ये परेशान है अधिकतर, इनको बहुत परेशान करने के लिए उन्होंने अपनी ऐसी नीति बना दी। अब कंट्रोल पर इनको जो है वो दे दिया, कैसा आपको जो मिलेगा, जो है गेहूँ मिलेंगे और चावल मिलेंगे। अब एक यूनिट पर मतलब जो है 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आप बताइए, 1 महीने में कितना रोज हो गया? वो 125 ग्राम 150 ग्राम करीब पड़ता है, 150 ग्राम रोज में, मतलब 150 ग्राम मतलब आटे में जो है या चावल में जो है वो पूरे मतलब जो दिन जिंदा रह लेगा व्यक्ति जो, ये नीति है। और खाते में जो पैसे डालना है, खाते में जो पैसे डालेंगे प्रधानमंत्री सारा जो है, तो प्रधानमंत्री जी को ये नहीं मालूम है, ये प्रधानमंत्री तो एक जो है वो है एक तरह के जो है पेटाल लेते हैं जो है भाई। प्रधानमंत्री को जो है वो दिया जाता है एजेंडा कि आप जो है इस तरह से भारत में नीति बनाओ, 500 रुपये खाते में डाले जा रहे हैं महीने के, 1000 रुपये खाते में डाले जा रहे हैं महीने में, तो क्या ये इतना रोज खर्चा जो है आप बताओ, 500 रुपये रोज 5 महीने में। अब उसके घर में मान लो जो है 4 मेम्बर हैं, 5 मेम्बर हैं, तो 500 रुपये से गुजारा कर लेगा महीने में, 1000 रुपये से गुजारा कर लेगा महीने में, इतना तो वो देवता पे भी छड़ा छड़ता है भाई। देवता पे प्रसाद चढ़ाएंगे जो है, अगर हम जो 1 रुपये का भी मतलब जो है 2 रुपये का 5 रुपये कम से कम जो है 5 रुपये का 10 रुपये का पैसा चढ़ता है देवता पे भी, तो जो है इतने से गुजारा कर लेंगे। तो नीति ऐसी प्रधानमंत्री की, ये तो खाली जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए, जब गवर्नमेंट की नीतियाँ खराब है इसलिए मतलब परेशान रहा मजदूर और जो है गरीब, और जो है दूसरे देशों में क्यों नहीं परेशान रहेंगे लोग, अमेरिका है, ब्रिटेन है, वहाँ क्यों नहीं परेशान है जो लॉकडाउन में जो है।